पोहा आलू टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया टिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे सुबह नाश्ते के समय बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और मैं आज आपके लिए पोहा टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होती है और ये सुबह के नाश्ते का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं पोहा टिक्की बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पोहा टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप पोहा लिया है और ये देखिए, ये थोड़ा मोटा पोहा है, आप देख सकते हैं। और यह है काली मिर्ची का पाउडर 1 छोटी चम्मच, यह है लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, और यह है धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, ये थोड़ा सा जीरा, और यह है नमक 1 छोटी चम्मच, और यह कद्दूकस किए हुए आलू जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया था, और यह है थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, इसे हमें बारीक कूट कर तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये धनिया बारीक कटा हुआ, और ये 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। तो आइए पोहा आलू टिक्की बनाना शुरू करते हैं। पोहा टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहे को गर्म पानी में भिगोएंगे। इसके लिए मैंने ये बड़ा बाउल लिया है और पोहे को बाउल में डाल देंगे इस तरह से, और अब इसमें गर्म पानी डाल लेंगे। ये मैंने पानी गर्म कर लिया है और अब इसे पोहे में मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फूलने देंगे। और ये देखिए, पोहे ने पानी अच्छे से सोख लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे अलग करेंगे इस तरह से, इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। और अब इसे 1 प्लेट पर 5 मिनट सूखने के लिए फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने पोहे को 5 मिनट के लिए प्लेट में फैला दिया था, और ये देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे धीरे धीरे बाइंड करेंगे इस तरह से, और हमें इसका एक आटा गूंथ कर तैयार करना है। और ये देखिए, मैंने इसका एक आटा गूंथ के तैयार कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे प्लेट में से निकाल लेंगे और एक बाउल में रख लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू, ये भी मिक्स कर देंगे। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, और ये नमक, और अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मिलाएंगे प्याज। ये जो प्याज है, मैंने इसका पानी अलग कर लिया है और इसे सुखा लिए हैं, और इसके बाद में मैं इसमें मिला रही हूँ। कटी हुई हरी मिर्च और ये हरा धनिया, और अब इसमें मिलाएंगे कुटी हुई मूंगफली जिसे मैंने रोस्ट करके रख लिया था, इससे ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और ये देखिए, मैंने सभी मसाले पोहे में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये अच्छे से बाइंड भी हो गया है, ये देखिए। और अब हम इससे टिक्की बनाएंगे। छोटी छोटी लोई लेते जाएंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से राउंड करते हुए
चाहे तो इसका शेप इस तरह से भी रख सकते हैं, गोल भी रख सकते हैं, और चाहे तो इसे टिक्की का आकार भी दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप इसे टिक्की का शेप दे सकते हैं। मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ और इसी तरह से हम सारी टिक्की तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सभी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और आप चाहे तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। गैस ऑन करेंगे सबसे पहले। दो बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्की डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे धीरे धीरे करके पलट लेंगे इस तरह से। देखिए हल्के हल्के हाथ से पलटेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरह से हम सभी टिक्कियों को पलट लेंगे धीरे धीरे करके। और ये देखिए ये टिक्कियाँ बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और कितना सुनहरा कलर आया है आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए पोहा आलू टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया टिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे सुबह नाश्ते के समय बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।